ABPS न्यूज़। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांव वासियों को मुख्यधारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव भदासना पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान योगेश कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 54 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 8 सिसिटाइज रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर ना मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है तथा जरूरतमंद लोगों को सुविधाओं का समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं ग्राम पंचायत ग्राम भदासना से प्रधान हूँ, और हमने जो है 24 राज्य से काफी काम कराए हैं। नल रिबोर कराए हैं, 5 नल रिबोर कराए हैं और बाकी नल रिपेयरिंग कराए हैं, 7-8 सर्किल कराई हैं, कुछ पक्का काम जो है मनरेगा के अंतर्गत भी कराया है, और 150 शौचालय बना दिए हैं जिनका पैसा भी आ गया था, और अब 100 शौचालय बना दिए हैं जिनका अभी तक कोई भी खाते में पैसा नहीं आया, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। इस सरकार में कोई भी पेंशन की योजना अभी तक नहीं चलाई गई है, जिससे जो है गरीबों को कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, और बिल्कुल जो है भलाई बुराई पे प्रधान की उतरे रहती हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है, और पेंशन की योजना है नहीं इस सरकार में, तो होनी चाहिए, और हमें और पैसे की ज़रूरत है। शौचालय हमने बना दिए हैं, हमारा जो है 7-12 लाख रुपए अपनी जेब का लगा हुआ, आज तक जो कोई भी शौचालय के पैसे नहीं आए। मेरा नाम समरपाल सिंह, गांव के प्रधान का नाम हमारे योगेश तोमर। हमारे गांव में कार्य अच्छी तरीक़े से हो रहा है, जो सड़कें हैं, जो कुछ लाइटें बनी हैं, और जो कुछ कॉलोनियाँ भी बनवाई हैं। थोड़ी समस्या ये है कि इन्होंने कुछ पैसा अधिक लगा दिया है और ऊपर से पैसा आ नहीं पा रहा है, उस समय से थोड़ा सा कार्य हमारा गांव का रुका हुआ चल रहा है, और जब सरकार पैसा देगी तो विकास भी अच्छा होगा। और कुछ अभी 2-4 सड़कें भी ऐसी हैं जो लोग आने जाने में उन्हें परेशानी, बस नहीं।